नमस्कार दोस्तों, इंडियन एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम ट्रैक्टर के टायर्स में पानी क्यों भरा जाता है इसके बारे में बात करने वाले, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। ऐसी ही खेती विषय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, वाहनों के टायर्स में ज्यादातर हवा का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हवा सस्ती होती है और आसानी से मिलती है, और कई बार नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हवा के मुकाबले नाइट्रोजन के ज्यादा फायदे होते हैं। लेकिन ट्रैक्टर के पिछले टायर्स में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो अब बात करते हैं ट्रैक्टर के टायर में पानी क्यों भरा जाता है। दोस्तों, ट्रैक्टर के आगे के टायर हवा या नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पिछले टायर्स में जो ज्यादा बड़े होते हैं उनमें पानी भरा जाता है, उसे बैलेस्टिंग कहते हैं। ट्रैक्टर के पिछले टायर में हवा की मात्रा 25% और 75% पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रैक्टर के टायर में पानी भरने का मेन रीजन है कि ट्रैक्टर का इस्तेमाल ज़्यादातर खेती के कामों में किया जाता है, तो खेत में काम करते समय टायर्स की ग्रिप बने रहे और टायर स्लिप न हो, इसलिए टायर्स में पानी भर के उसका वजन बढ़ाया जाता है, और पानी भरने से टायर्स की पकड़ मजबूत बन जाती है और खींचने में ताकत मिलती है। यही मेन रीजन को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर के टायर्स में पानी भरा जाता है। ठंड के मौसम में टायर्स में पानी जम जाने की समस्या रहती है। पानी में कैल्शियम क्लोराइड मिलाने से इस समस्या का समाधान हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।